Hello student, now we are going to solve question number 3 of exercise 7.2. So firstly we read the question number 3. To conduct sports day activities in your rectangular shape school ground ABCD. School का ground है, कैसा है? Rectangular shaped है, उसमें हमने sports activity करानी है, okay? Lines have been drawn with the chalk powder. चूने से जो हम draw कर देते हैं lines, वैसे. At a distance of 1 meter each. कितने डिस्टेंस पर बनाई है? 1 मीटर डिस्टेंस पर, ओके. 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी. ये एडी के अलोंग 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं कितने? 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं. कितने रखे हुए हैं? 100 फ्लावर पॉट्स, ओके. 1 मीटर के डिस्टेंस पर अलोंग एडी एस शोन इन फिगर 7.12. नाउ निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी on the second line and post a green flag. ये second line है, second line पे ये move करती है निहारिका, कितना? 1/4. तो इसकी distance कितनी होगी? यहाँ लिख लेंगे, निहारिका moves the distance. ये निहारिका covers distance equals to 1/4 of 100 मीटर. कितना आ जाएगा? 25. क्लियर? सो देयरफॉर पॉइंट क्या बना? पहला कोऑर्डिनेट बन गया ये, ए कोऑर्डिनेट ले लो, ये बन गया आपका, ए नहीं लेंगे आप, पी लेंगे इसमें, ठीक है? पी, ये बन गया आपका कौन सी लाइन पे? सेकंड लाइन पर है, तो ये बन गया सेकंड लाइन 2. कोऑर्डिनेट आ गया 2 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया 25. क्लियर? ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को. उसके बाद चलते हैं आप पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग. यहाँ ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर दिया. उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग. और प्रीत जो है रेड फ्लैग पोस्ट करती है, तो यहाँ लिखते हैं प्रीत कवर्स डिस्टेंस इक्वल्स टू 1/8 ऑफ 100. ये ओके, प्रीत ने 1/5 ना है 1/5, तो ये आ जाएगा 1/5. 5 से डिवाइड किया 20 मीटर हो गया. बट एक्स एक्सिस पर कौन सी लाइन है? वो 8th लाइन, तो क्यू पॉइंट हो गया. हम यहाँ लिखते हैं क्यू पॉइंट 8, 20, ये पॉइंट बन गया. उसके बाद व्हाट इज सेइंग, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. दोनों फ्लैग की डिस्टेंस बताओ यहाँ से यहाँ तक कि कितनी होगी. तो डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? पी क्यू निकाल लो यहाँ से, इसको पी दे दो, इसको P, इसको Q, ओके. तो ये क्या बन गया आपके पास? Therefore, PQ is equals to square root x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. ऐसे ये बनेगा x1, ये y1, ये x2, ये y2. Clear? Now put the value of this. Look, x2 is 8, x1 is 2, whole square of this plus y2 is 20, y1 is 25. Now simplify it. 8 minus 2, 6, square of 6 plus 20 minus 25 minus 5, square of this. Now it become 36 plus 25, it become 61, root 61. Shape of 11. Okay, PQ इतना distance आ गया, कितने unit, इतने meter आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है इसमें, If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, इसके half में बीच अब बीच बिल्कुल Rashmi जो है blue कलर का flag post करना चाहती है, okay? तो middle में कैसे आएगा? तो middle के लिए हम यहाँ लिखेंगे coordinate of the midpoint. क्या होते हैं coordinate of midpoint? ये बता देता हूँ मैं आपको. पहले इसमें लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट्स. ओके स्टूडेंट, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोई लाइन होती है आपके पास, ये ए और बी सपोज ऐसे ले ली, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो ये इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा. सपोज करो s है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू ये x कॉमा y है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 करेंगे इसे, x1 प्लस x2 अपॉन 2
और y is equals to y1 plus y2 upon 2. तो इसे आप जहां फॉर्मूले लिखे हैं सेक्शन फॉर्मूला लिखा वहीं पे आप इसको भी लिख लेंगे. ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम ये आगे क्वेश्चन करते हैं. कह रहे हैं इनके बिल्कुल मिड में ड्रॉ किया है, इसको ले लेते हैं पॉइंट r. तो इसका r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ नेट ऑफ पॉइंट r. कैसे निकलेगा? x equals to x1 plus x2 upon 2 और y is equals to y1 plus y2 upon 2. क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या क्या है, उसका कोऑर्डिनेट निकला था हमारे पास सेकंड लाइन पे कितना था 25, 2.25 था एक कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट था हमारा 8.20. ओके, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2. तो therefore x is equals to x1 is 2, x2 is 8 over 2, this become 10 over 2, divided by 2, it is 5, x की value आ गई 5, x coordinate 5 आ गया. अब निकालते हैं y, y is equals to y1 plus y2, y1 is 25, y2 is 20 over 2, it become 45 over 2, 2 से divide कर दें, 2 जा 4, 2 2 जा 4.5, ये y coordinate ही आ गया आपका. ओके, तो ये कितना बना पॉइंट इसका मिड पॉइंट 5.22.5 ये बन गया. यानी जो फ्लैग पोस्ट करना है उसने कहां पोस्ट करना है, 22.5 के डिस्टेंस में फ्लैग को पोस्ट करना है. ओके स्टूडेंट, दिस इज योर आंसर.